सापरा जी, अब इस पर जवाब आप दे ही दीजिए। एक सेकंड, चरण सिंह सापरा जी, ये सवाल खड़े कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन आप किसी राज्य का एग्जाम्पल देंगे क्या? प्लीज सर, दोनों नोट दोनों में नहीं करें, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। ठीक है चरण सिंह सापरा जी, एक एम्बुलेंस के भीतर अगर 22 शवों को, सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड, सर प्लीज, चरण सिंह सापरा जी, एक एम्बुलेंस के भीतर 22 शवों का भरा जाना समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? आप क्यों इस तरह की बदसलूकी की जा रही है महाराष्ट्र में? क्यों इस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र की भीड़ से सामने आ रही हैं? माफी मांगिए इसके लिए चरण सिंह जी। अगर अगर ऐसी बदसलूकी हुई है तो उसके ऊपर एक्शन भी हुआ, आपको पता नहीं है तो संबित पत्र बताएंगे नहीं, लेकिन ये उस बात को नहीं कहेंगे कि जिस तरह से सूरत में क्या हाल है, बॉडी लगी हुई है, आप इसमें अगर मगर क्या जोड़ रहे हैं? अहमदाबाद में जिस तरह से लाशें जलाई जा रही है, आप जिस तरह से अहमदाबाद में कुछ हो रहा है तो आप भी वही करेंगे? तो पत्रे के अंदर भी कुछ हो रहा है तो 22 लाखों को एक एम्बुलेंस। देखिए मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप महाराष्ट्र में 60 लोगों से केसेस हो रही है और आप इतनी शर्म से जा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर, शर्म आपको आनी चाहिए सरकार जी। आप लोगों के कारण पूरे देश में कोरोना हुआ है, लोगों को महाराष्ट्र की सरकार की नाकामी हुई पीड़ाएं है, देश में कोरोना हुआ है, आप लोग बच्चे रो रहे हैं, बच्चे चाहते हैं कि हमारे माँ बाप ठीक हो, महाराष्ट्र के अयोग्यता एक एक करके अपनी बात रखे। दिल्ली के अंदर 22 लोगों की चित्रा जी, मैं तो कहूंगा महाराष्ट्र सरकार की अयोग्यता के कारण पूरे देश में कोरोना फैला है। आज 60 केसेस पूरे देश में महाराष्ट्र से आ रहे हैं। सर्वाधिक अगर मृत्यु कहीं हो रही है तो वो महाराष्ट्र में हो रहा है, और महाराष्ट्र के नेताओं को देखिए इस प्रकार का अहंकार, इतना चिल्लाना यहाँ पर आकर दूसरों को। सर एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाते, लेकिन मौजूदा वक्त वास्तव में आपस में तू तू मैं करने का नहीं है। सर जिनके घरों के लोग मारे जा रहे हैं कोरोना की वजह से, जरा उनके बारे में भी सोचिए आप लोग, और उस संवेदनशीलता का परिचय दीजिए जब भी आप डिबेट में या अपनी बात रखने के लिए आते हैं, क्योंकि लोग मर रहे हैं और यकीनन उनको इस तू तू मैं से नहीं मतलब है। उनको यह जानना है कि हमारे मरते हुए मरीजों की रोकथाम के लिए, उनको अच्छी दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए सरकारों की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है, और मौजूदा वक्त युद्ध वाली परिस्थिति को पैदा कर चुका है। ऐसे में आपस में लड़े नहीं बल्कि मिलजुल कर मुकाबला करें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों से ही पूरा देश इस वक्त यही उम्मीद कर रहा है, और उम्मीद यही कि कम से कम आप लोग उन उम्मीदों पर खरा उतरे।